हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी। मैं SKGT में पढ़ाता हूँ। SKGT इज एन आइडल प्लेस टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। SKGT में 11th 12th कॉमर्स, FYBCOM, SYBCOM, TYBCOM, MCOM 1, MCOM 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा SKGT में। स्टैंडर्ड 6th चैप्टर 12 परसेंटेज प्रैक्टिस सेट 30 महाराष्ट्र बोर्ड क्वेश्चन 1 शबाना। शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन हर एग्जाम। व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर्ड, इसने कितना परसेंटेज स्कोर किया। सॉल्यूशन, शबाना स्कोर 736 आउट ऑफ 800। ये हमारा सिंपल सम है, जैसे हम लोग एग्जाम में हमको मार्क्स मिलते हैं वैसे। एस डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू ऑप्टन डिवाइड बाय टोटल। तो एस डिवाइड बाय 100, 736 डिवाइड बाय 800, तो इधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 100 बोथ द साइड आएगा। तो आंसर क्या बचा है, 736 डिवाइड बाय 800 इंटू 100। कट जीरो करेगा तो क्या बचेगा, 736 से डिवाइड करना 8 को, तो कितना परसेंटेज आएगा, 8, टिपिकल 8 का लगा था, 92 परसेंटेज आएगा। देयर फोर शबाना स्कोर 92 परसेंटेज। There are 500 स्टूडेंट इन दी स्कूल, मतलब पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। कौन से गांव में, धांडी विलेज। इफ 350 कैन स्विम, 500 बच्चे में से 350 बच्चे लोग तैर सकते हैं। और व्हाट द परसेंटेज, हमें परसेंटेज निकालना है स्विम का। और व्हाट परसेंटेज कैन नॉट, मतलब जो तैर सकते हैं वो और जो नहीं तैर सकते हैं वो, यही का सम है। तो धांडी विलेज, तो लेट अस द डी इज द परसेंटेज कैन स्विम, मतलब जो स्विम कर सकते हैं उसका डी दिया है। तो 350 कैन स्विम फ्रॉम 500, तो हमें परसेंटेज निकालना है। तो डी डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 350 डिवाइड बाय 500, तो डिवाइड बाय 100 है तो मल्टीप्लाई 100 बोथ द साइड आएगा। तो 350 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, कट जीरो करेंगे तो क्या बचेगा, 35 इंटू, तो 35 डिवाइड बाय 5 से करेंगे तो टेबल 5 का लगाया, तो 5 7 35, तो 70 आएगा आंसर। अभी तक खाली हम लोग ने वो पता लगाया कि कितने परसेंट स्विम कर सकते हैं। अभी इसमें से जो कितने परसेंट स्विम नहीं कर सकते वो भी निकालना है हमें। तो वो निकालने के लिए लेट अस, एस इज द परसेंटेज कैन नॉट स्विम, मतलब जो तैर नहीं सकते हैं, एस। तो टोटल कितना है हमें मालूम है, स्विम कितने करते हैं वो भी हमें मालूम है, पर कैन नॉट स्विम वाले हमें मालूम नहीं। तो उसमें स्विम माइनस कैन नॉट स्विम करेंगे, 100 मिला हुआ है, 70 हम लोग ने निकाला है एस, तो इधर प्लस में है उधर गया तो माइनस, तो 100 माइनस 70 कितना आएगा, 30। तो एस इज इक्वल टू कितना आएगा, 30, मतलब 30% वो है जो तैर नहीं सकते, कैन नॉट स्विम। तो ये लाइन लिखिए, देयरफोर 70% ऑफ देम कैन स्विम एंड 30% कैन नॉट स्विम। सिंपल है सब। इफ प्रकाश सोव्ड जवार ऑन 75% 95,000 स्क्वायर मीटर एरिया में, मतलब उसने जो जगह है उसने 75% जवार उगाए है, तो हाउ मेनी स्क्वायर लैंड ही एक्चुअली, मतलब उसका हम लोग को स्क्वायर मीटर निकालना है कि कितना कितना स्क्वायर में कितना उसने निकाला है इस जगह पे। तो प्रकाश का समय
सर्व्ड जो 75% ऑफ दी 19,500 स्क्वायर किलोमीटर में, तो डी का कितना है 19,500 इंटू 75 डिवाइड बाई 100, तो टेबल लगाया 25 का, तो क्या बचा इधर 3/4, फिर 4 का टेबल लगाया तो क्या बचा इधर 4875 इंटू 3, फिर मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आया 14,625। तो ये जो एरिया आंसर है देयर फोर 14,625 यही एक्चुअल एरिया है जिसमें प्लांट कवर किया था। ये इसका भी हम लोग ने पीएस किया हुआ है, एग्जाम्पल हम किए हुए हैं, ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, सोहम रिसीव्ड 400 मैसेज, मतलब उसको एक मैसेज मिला है बर्थडे का, जिसके अंदर आपको बताना है ऑफ दिस 90% वर बर्थडे, मतलब उसको जो मैसेज आया था 40 मैसेज में से उसको बर्थडे का 90% मिला, तो हाउ मच अदर मैसेज, मतलब बर्थडे का छोड़ के कितना मैसेज मिला हमको वो बताना है। डिड ही बिसाइड ग्रीटिंग बराबर उसको छोड़ के, तो चलिए सॉल्यूशन किसका सम है, सोहम का सम है, तो हम सोहम का नाम लिख रहे हैं 40 मैसेज, ठीक है, आउट ऑफ 90%। वेयर द बर्थडे ग्रीटिंग, तो D इज इक्वल टू 40 इंटू 90 अपॉन 100, कट जीरो करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 4 इंटू 9, तो 4 इंटू 9 कितना है 36, तो हम लोग को 40 में से 36 मैसेज किसका मिला है हमें बर्थडे का, और हमें क्या निकालना है उधर कि उसके अलावा मतलब बिसाइड अदर मतलब अदर वाला मैसेज, तो टोटल मैसेज हमें पता है इक्वल बर्थडे मैसेज भी हमें पता है, मैसेज माइनस अदर, अदर मैसेज हमें मालूम नहीं, तो अभी निकल जाएगा, देखो तीन में से एक भी चीज मिसिंग हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बर्थडे टोटल मैसेज में 40, बर्थडे मैसेज में 36, इधर एस दिया हुआ तो एस इधर रखा है, इधर 40 माइनस 36 कितना है आंसर 4, तो एस का आंसर क्या है मतलब अदर मैसेजेस कितना है मेरे पास 4। तो ये लाइन लिखना ना भूलिए, देयरफोर द 4 अदर मैसेजेस he get beside the greeting, मतलब बर्थडे greeting के अलावा, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, ऑफ द 5675 पीपल इन विलेज 5488 आर इलिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे लोग, व्हाट इज द परसेंटेज, क्या परसेंटेज है हमें निकालना है लिटरेसी का इन द विलेज। चलिए तो क्या लिखते हैं, विलेज विलेज का सम था इसलिए विलेज लिख रहे, लेट द डी इज अ लिटरेट, लिटरेट लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोग, ठीक है, तो इन विलेज तो क्या आएगा इधर डी डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 5448 डिवाइड बाय 5675, मतलब ये टोटल था, तो इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई 100 बहुत 10 साइड आएगा, तो फिर टेबल क्या लगा रहे 25 का लगा रहे, तो क्या बच रहा है इधर 5448 और 227 इंटू 4, ये टेबल 227 का लग गया तो क्या बचा 24 इंटू 4, तो आंसर क्या आया 96, तो देयरफोर 96% ऑफ लिटरेसी इन द विलेज, मतलब 96% लोग पढ़े लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द इलेक्शन 1080 मतलब 1080 ऑफ 1200 वुमेन जांबुलगांव, मतलब 1200 औरतों में से जांबुलगांव के 1080 ने वोट दिया है, वाइल 1360 ऑफ दी 1700 वरदगांव, मतलब वरदगांव में से 1700 टोटल वुमेन थी उसके अंदर से 136 लोगों ने लेडीज लोगों ने वो लोग ने वोट दिया है, तो इधर क्या पूछा है इन विच विलेज डिड द ग्रेटर प्रपोर्शन, मतलब दोनों में से कितने ज्यादा प्रपोर्शन दिया है, जांबुलगांव ने ज्यादा दिया है लेडीज लोग ने कि वरदगांव ने वोट ज्यादा दिया है, तो वही निकालेंगे। अभी हम लोग को इधर क्या लिखना है सॉल्यूशन में, हम लोग लिख रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि वोट दिया है तो इलेक्शन का ही लिख रहे हैं, तो सबसे पहला ए जांबुलगांव, जांबुलगांव कास्ट दियर वोट, वो लोग ने वोट दिया है, तो डी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1080 डिवाइड बाय 1200, इधर डिवाइड में 100 है तो मल्टीप्लाई 100 बहुत 10 किया, तो डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा आंसर 0 कट किया तो 1080 इधर डिवाइड बाय 12, तो इधर कितना आया 90%,
वादगांव कास्ट देयर वोट, वो लोग ने वादगांव ने कास्ट किया है वोट एस डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1360 डिवाइड बाय 1700, तो एस इक्वल टू 1360 डिवाइड बाय 1700, इधर डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई में चला गया, अभी क्या कह रहा है कट जीरो, तो जीरो कट किया तो 1360 इधर 17 आएगा क्योंकि बाकी का कट हो गया, अभी टेबल किसका लग रहा है 17 का लग रहा है, तो क्या बचेगा 17 8 136 कितना है 80%, तो वादगांव ने कितना लगाया, वादगांव की वुमेन लोग ने कास्ट कितना किया है वोट 80%। ठीक है, देखिए आप स्मॉल लेटर में लिखिए, हमें समझने के लिए आपको खाली बोल्ड लेटर में लिख रहा हूँ, 80% का वोट लोगों ने कास्ट किया है, तो हमें मेन आंसर अभी लिखना है। देखिए वादगांव ने 80 और इसने जम्बुलगांव ने 90, तो जम्बुलगांव ने ज्यादा वोट किया है, तो यही लिख रहे हैं आंसर, देयरफॉर जम्बुलगांव वुमेन ग्रेटर प्रपोर्शन देन द वादगांव ऑफ द कास्ट द ईयर वोट, बराबर ना, वो लोगों ने ज्यादा वोट किया कंपेरेटिव वादगांव के, जम्बुलगांव ने ज्यादा वोट किया वादगांव से ज्यादा। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। Subscribe the button, press the bell icon, like, comment, share. Subscribe the button, press the bell icon, like, comment, share.